CAA पर संग्राम, नागरिकता संशोधन एक्ट साल 2019 के सर्द मौसम का ये वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा गर्म रहा। दरअसल 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ। इस बिल के मुताबिक पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन नागरिकता के इस कानून में इन सभी देशों के मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो तीन देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, ये लघुमति के लोग, वहां की लघुमति के लोग जो भारत में आए हैं, उनको किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। इसका मतलब आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो तीन देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। साल 2019 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में CAA पर ऐसा दंगल मचा कि देखते ही देखते पूरा देश इसकी जद में आ गया। विरोध का बिगुल बजा और शहर शहर प्रदर्शन का शोर सुनाई देने लगा। फिर तो क्या, दिल्ली और क्या देश के दूसरे शहर, हर तरफ आक्रोश की आग दिखी। उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहर भी इस आग में सुलग उठे। CAA को NRC का पहलू बताकर पॉलिटिक्स भी खूब परवान चढ़ी। हालांकि हंगामा अब NPR पर भी होता दिख रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, NRC इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। असम में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। साल 2019 का ये वो सुलगता मुद्दा है जिसने असम सहित देश की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल घुसपैठियों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में NRC लागू की गई। इसके मुताबिक असम का नागरिक साबित करने के लिए लोगों को 24 मार्च 1971 से पहले जारी किए गए दस्तावेज बतौर सबूत पेश करने थे।
इसके लिए 1951 के एनआरसी या 24 मार्च 1971 तक जारी की गई वोटर लिस्ट भी मान्य थी, लेकिन एनआरसी की अंतिम लिस्ट में लाखों लोगों के नाम नहीं होने पर सियासी गलियारों में गदर मच गया। उत्तर से लेकर पूर्व उत्तर तक एनआरसी पर पाला खिंच गया, कुछ पक्ष में है तो कुछ विरोध में। एनआरसी केवल असम तक रहेगी या पूरे देश में लागू होगी, सियासत की भट्टी पर यह अभी मुद्दा पक ही रहा है, लेकिन साल 2019 में यही मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ये राहुल बाबा कहते हैं एनआरसी क्यों ला रहे हो, घुसपैठिए को क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्यों भाई आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? ये राहुल बाबा को जो बोलना है बोलने दो, मैं बताने आया हूं। मित्रों, 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। ये कानून जो है एकदम जनहित के खिलाफ है, खासतौर से गरीबों के लिए। आप बताइए, आप एक किसान से जिसकी जमीन नहीं है, आप उससे कागजात मांगेंगे और उससे सबूत मांगेंगे कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, कि उसकी भारतीयता का आप सबूत मांगेंगे? कोई डेली वेज में काम कर रहा है, शहर में काम कर रहा है, उसने जाके शहर में अपना घर बसा लिया, एक झुग्गी ले ली, आप उससे उसकी जमीन के कागज मांगेंगे? कौन सा पहचान मांगेंगे कि पता नहीं कोई भी साल आपने ले लिया, 1971 ले लिया या जो भी ले लिया, कह दिया उससे पहले का कोई पत्र दिखाइए, कोई कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैं मोदी जी कहते हैं भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है। राम मंदिर पर फैसला। साल 2019 जिस बात के लिए सबसे ज्यादा जाना जाएगा वो है करीब 500 साल पुराने अयोध्या विवाद का निपटारा। करीब 135 साल से अदालतों में चली आ रही अयोध्या की लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत ने 40 दिन लगातार सुनवाई के बाद अंजाम तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अयोध्या विवाद का अध्याय सदा के लिए बंद कर दिया। इस मामले में दायर की गई याचिकाएं भी खारिज हो गई। अनुच्छेद 370 की विदाई। अनुच्छेद 370 को अब तक अनछुआ ही समझा जाता रहा था, लेकिन साल 2019 के सावन में तीसरे सोमवार को खुशियों की ऐसी बरसात हुई कि जम्मू कश्मीर और शेष भारत के लोग एक जैसे नागरिक हो गए। 370 की विदाई के साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहीं अलग राज्य बनने की लद्दाख वालों के मन की मुराद भी पूरी हुई। यानी साल 2019 कश्मीर की जमहूरियत के लिए बराबरी की सौगात वाला रहा। देश की सियासत में यह घटनाक्रम एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। तीन तलाक हुआ हलाक। साल 2019 ही नहीं, 2019 का तो सावन भी सुर्खियों में रहा, और सावन में भी सोमवार ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल सावन के पहले सोमवार को चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, तीसरे सोमवार को 370 की विदाई हो गई थी, और सावन का दूसरा सोमवार तो दशकों की दास्ता से मुक्ति का दिन रहा। इस दिन ट्रिपल का ही तलाक हो गया था। राज्यसभा से मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के पास होते ही तीन तलाक जुर्म घोषित हो गया। सदियों से सियासत की बेड़ियों में जकड़े इस मुद्दे को मोदी सरकार ने एक झटके में तोड़ दिया। झारखंड का चुनाव। झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। चुनाव से पहले यहां बीजेपी और आजसू की 19 साल पुरानी दोस्ती टूटी, और इसका परिणाम ये रहा कि झारखंड में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। रघुबर दास और कई बड़े नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस, जेएमएम और राजद की तिकड़ी ने बीजेपी की जीत का सपना तोड़ दिया। महाराष्ट्र में संग्राम। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। मौके की नजाकत पर जिससे दिल मिल जाए उससे हाथ मिलाया जा सकता है। भगवा ब्रिगेड वाली बीजेपी और शिवसेना में सीएम पद को लेकर ऐसा टकराव हुआ कि 30 साल पुरानी दोस्ती भी टूट गई। एक समय ऐसा भी आया जब एनसीपी के समर्थन के भरोसे रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन दिन के उजाले में वो समर्थन भी भरभरा गया। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के सिकंदर बने और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी साल 2019 में सियासत के नए साथी हो गए। जब चिदंबरम गए जेल।
यूपीए सरकार में सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लिए साल 2019 अर्श से फर्श सरीखा रहा। इस साल उनके सितारे ऐसी गर्दिश लाए कि बड़ी सियासी साख वाले चिदम्बरम तिहाड़ तक जा पहुंचे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आधी रात तक फुल हाई वोल्टेज ड्रामा चला। घर के दरवाजे बंद थे, सीबीआई और पुलिस वाले दीवारें कूद कर उन तक पहुंचे थे। गिरफ्तारी के समय सड़क पर भी काफी बवाल हुआ। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। चिदंबरम 106 दिन तक जेल में रहे। मोदी 2.0। राजनीतिक नजरिए से 2019 बीजेपी के लिए ऐतिहासिक साल रहा। इस साल पीएम मोदी की ऐतिहासिक वापसी हुई। अद्भुत जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। मोदी की दूसरी पारी को लोगों ने इसे नाम दिया मोदी 2.0। दरअसल अप्रैल से मई तक देश में लोकसभा चुनाव का चुनावी महासमर था। पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने में जी जान से जुटा था, लेकिन 23 मई को जब नतीजे आए तो विपक्ष धराशायी हो गया। मोदी शाह की जोड़ी कमाल कर गई। इन नतीजों से हर कोई हैरान था, क्योंकि बीजेपी ने 300 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया था और एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिली। मोदी बनाम विपक्ष के महासंग्राम में मोदी को मिली थी महाजीत। शाह भी पहुंचे संसद। अब इसे पहली पारी में अमित शाह की डबल सेंचुरी भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने बीजेपी को फिर से विजेता बनाया और उधर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े अमित शाह गांधीनगर सीट से लाखों वोट से जीतकर सांसद भी बने। मोदी 2.0 में गृह मंत्री बनने के बाद तो अमित शाह ने कई चौंकाने वाले दांव भी चले। सदन में भी शाह पूरे विपक्ष पर हावी रहते हैं। राहुल की हार प्रियंका का नया अवतार। कांग्रेस नेतृत्व के लिए इससे कठिन शायद ही कभी रहा हो। 2014 की हार के बाद 2019 की हार का दर्द कांग्रेस के लिए ज्यादा गहरा रहा, क्योंकि पार्टी की करारी हार के साथ साथ खुद राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में भी हार गए। 2014 में राहुल गांधी से हार चुकी स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी से कांग्रेस का किला छीन लिया। अमेठी सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी चुनाव जीत चुके हैं। साल 2004 से राहुल गांधी ही अमेठी से सांसद थे। इस हार से हताश राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी के इस्तीफे से कांग्रेसी कुनबे में भूचाल आ गया। कई दिन उनको मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष ना बनने पर अडिग रहे। और तो और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। नेतृत्व संकट के समय सोनिया गांधी फिर कांग्रेस के संकट मोचक बनी। हालांकि कांग्रेस के लिए 2019 में एक खुशखबरी रही कि प्रियंका गांधी की भी एक्टिव पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई। इससे पहले प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रचार तक ही सीमित रहती थी। प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, उन्नाव, दलित उत्पीड़न और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। कर्नाटक का सियासी संकट। साल 2019 सबसे ज्यादा सियासी उतार चढ़ाव के लिए याद किया जाएगा और इन किस्सों में कर्नाटक का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के मेलजोल की सरकार चल रही थी, लेकिन जुलाई में 17 विधायकों की बगावत ने स्थिर सरकार को अस्थिर कर दिया। कई दिन मान मनोबल का खेल चला, विधायकों की लुका छुपी हुई। दोनों तरफ के विधायक राजस्थान से लेकर गोवा तक के रिजॉर्ट की सैर करते दिखे। विश्वासमत के बिसात पर कुमारस्वामी की सरकार 105 वोट के मुकाबले 99 वोट से गिर गई। बदले गुणा गणित में येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो गए। 26 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली। 17 आयोग विधायकों की सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उस वक्त महाराष्ट्र में बदले सियासी मिजाज के बीच येदियुरप्पा की कुर्सी पर संकट दिख रहा था, लेकिन 17 में से 15 सीट जीतकर येदियुरप्पा ने अपनी कुर्सी बचा ली। बंगाल का सियासी बवाल। साल 2019 में पश्चिम बंगाल भी बेहद सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहां साल भर कोई न कोई ऐसा सियासी घटनाक्रम चलता रहा जो चर्चाओं में रहा। बंगाल की सियासी जंग में जय श्री राम का नारा भी खूब जोर शोर से गूंजा।
ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकना जहां सात का सवाल बना लिया था, वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर कमल खिलाने में लगी रही। हालात ऐसे बने कि बात हिंसा तक पहुंच गई। लेकिन चुपेचाप कमल छाप की नीति और रणनीति के जरिए बीजेपी ने ममता दीदी का किला भेद दिया। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो केवल बीजेपी को छोड़कर सभी अचंभित रह गए, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में 40% वोट के साथ 18 सीटें जीतकर वो कर दिखाया था जो बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। फर्श से अर्श पर जगनमोहन। साल 2019 में 46 साल के जगनमोहन रेड्डी भी खूब सुर्खियों में रहे। सब्र और संघर्ष की सियासत ने जगनमोहन रेड्डी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। चंद्रबाबू नायडू को हराकर जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दरअसल 2009 में पिता की मौत के बाद जगनमोहन रेड्डी ने राजनीति के मैदान में जो जद्दोजहद की, वो अपने आप में किसी संघर्ष से कम नहीं है। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसी मौत के बाद से ही उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में सियासी खालीपन को भरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने जगनमोहन रेड्डी को ही किनारे कर दिया था। कांग्रेस में मन के मुताबिक तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुन ली। 45 दिनों में अपनी नई राजनीतिक पार्टी गठन करने वाले जगन को जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2009 से चले संघर्ष का फल उन्हें 2019 में आकर मिला। सपा बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन। 2019 में उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा ने नई इबारत लिखी। करीब 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोनों दलों ने एक ऐतिहासिक गठबंधन में गांठ लगाई। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा की दुश्मनी जग जाहिर थी, लेकिन 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर आगे चलने की ठानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो संभव हुआ था जो असंभव माना जाता था। योगी का जादू। योगी आदित्यनाथ सबको चौंकाकर उत्तर प्रदेश के सीएम बने। योगी आदित्यनाथ का जलवा 2019 में भी कायम रहा। 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां अपने धुआंधार फैसलों के चलते चर्चाओं में रहे, वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार में हर राज्य में सीएम योगी की डिमांड रही। गुजरात से कर्नाटक और बंगाल तक योगी योगी के नारे गूंजे। वहीं भ्रष्ट नौकरशाही और कामचोर कर्मचारियों पर सीएम योगी की कार्रवाई भी नजीर बनी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीएम योगी ने कई अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिलवा दिया। अभी भी ऐसे अधिकारियों की लिस्ट अभी बन रही है। सियासत का जूता कांड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दी थी। 2019 की सियासत का ये वो जूता कांड था जिसने शरद त्रिपाठी का टिकट तक कटवा दिया। दरअसल मार्च की गर्मी पड़ रही थी, मौसम का पारा हाई था, माननीय लोगों की मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग में संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी विधायक राकेश बघेल का पारा भी चढ़ गया। बस फिर क्या, जिस वक्त पार्टी बूथ मजबूत करने में जुटी थी उस वक्त सांसद महोदय विधायक को पीट कर बता रहे थे कि उनका वोट सबसे मजबूत। मोदी का ध्यान केदारनाथ। साल 2019 में एक ध्यान ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद पीएम मोदी केदारनाथ के कंदरा में जा पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था। पीएम मोदी के इस ध्यान ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और केदारनाथ की यह स्पेशल गुफा चर्चा में आ गई। 18 मई 2019 की शाम प्रधानमंत्री इस गुफा में पहुंचे। 19 मई की सुबह 7 बजे पीएम गुफा से बाहर निकले।
पीएम के ध्यान लगाने के बाद से ही इस गुफा की बुकिंग हाउसफुल चल रही है। समुद्री तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में वाईफाई, फोन और बेड का भी इंतजाम है। विवादों के चैंपियन। अक्सर विवादों में रहने वाले उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2019 में भी चर्चाओं में रहे। झबरेड़ा से विधायक कर्णवाल से कलह हो गया, फिर पत्रकारों को गाली। प्रणव 2019 में भी विवादों के चैंपियन रहे। कर्णवाल ने चैंपियन पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया, तो वहीं एक पत्रकार को गोली मारने की धमकी और गालियां देते हुए उनका एक वीडियो सुर्खियों में रहा। प्रणव की हनक और हथियारों के साथ हरकत ने आलाकमान को भी हलकान कर दिया था। प्रणव चैंपियन का तमंचे पर डिस्को भी खूब चर्चाओं में रहा। परेशान होकर पार्टी ने प्रणव चैंपियन को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। Our mind alert.